Hello everyone, welcome back to Travel with Ehsaan with a new blog. In this video, especially today, we're going to talk about the freshers student for the MBBS in the first year. What should they study in the first year duration and how many subjects they are going to study in the first year, especially whether they are in the India or whether they are in the abroad in any medical college in any country. So especially particularly we have to study 3 to 4 subjects only. मिनिमम क्या होता है कि जब आप इंडिया में किसी मेडिकल कॉलेज में जब आप स्टडी करते हैं, चाहे एब्रॉड में जाते हैं स्टडी करने के लिए, तो थोड़ा सा एब्रॉड थोड़ा सा आपको वास्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं. वही अगर बात की जाए इंडिया में, तो पर्टिकुलर आपको 3 या 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है, जो कि एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, चाहे आप वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी भी ऐड हो जाता है मोस्टली किसी किसी कॉलेज में. और वही आप एब्रॉड में जाते हैं तो एब्रॉड में ये तो 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स और ज़्यादा हो जाता है, जो कि लैंग्वेज आ जाते हैं वहाँ पे. तो पर्टिकुलर आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता है, आप वहाँ पे टाइम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं. स्पेशली आई एम ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट एंड दिस ईयर आई एम गोइंग टू गेट अ डिग्री IKM इन किर्गिस्तान इन एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड 2026 एंड नाउ इट्स गोइंग टू 2022. आई वॉज इन द 6th ईयर प्रोग्राम एंड दिस इज माई फाइनल ईयर. सो वाट मिस्टेक आई डिड, यू गाइज प्लीज डोंट डू डैट मिस्टेक. बिकॉज जब मैं यहाँ पे आया था किर्गिस्तान में, तो उस वक्त मेरे पास पर्टिकुलर रिसोर्सेज नहीं थे, मुझे उतना नॉलेज नहीं था. तो वो मैं नॉलेज और एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, ताकि फर्दर जब आप MBBS के लिए किर्गिस्तान में चाहें और कंट्री में जब आप जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर आपको वहाँ पे बेनिफिट्स हो और आपको कुछ पता हो कि क्या पढ़ना होता है. तो मान लीजिए कि अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो एनाटॉमी में बहुत सारा बुक्स आते हैं, एटलस आता है आपको, चाहे ब्रिटिश रशिया आता है, चाहे ग्रेस एनाटॉमी आता है. तो ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लेंदी है. लेकिन पर्टिकुलर आप एक बार इस बुक्स के थ्रू ब्रिटिश रशिया आप प्रेफर कीजिए और एक बार बुक्स के थ्रू जाइए, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए. और इसके बावजूद जब आप एक बार पढ़ लेंगे, तो आपको वहाँ पे नया नया वर्ड्स बाद में सुनने को नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये पढ़ा हुआ है. बाद में भले आप जाकर के भूल जाएँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना सारा चीज़ आपका दिमाग एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उतना याद नहीं रख पाता है. तो बेसिक ये है कि आप एक बार बुक्स के थ्रू जाएं, एक बार बुक्स आप पढ़ लें, उसके बाद आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेस यूज करना स्टार्ट करें. आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेस में सबसे बेस्ट है कि डॉक्टर नजीब सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत ही सस्ता उनका सब्सक्रिप्शन आता है. और उनमें आप जब पढ़ेंगे, जब उनका लेक्चर्स आप देखेंगे, तो आपका बेसिक जितना भी मेडिकल का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, उसमें आपका टोटल का टोटल कंप्लीट हो जाएगा. वो उनका जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में उनके जैसे एक्सप्लेनेशन कोई करता भी होगा. तो मेरा मेन फंडा बताने का यह है कि आप एक बार बुक्स को जरूर एक बार कंप्लीट कर ले, बस सिर्फ पढ़ लें, रिवाइज करने की उसमें जरूरत नहीं है. आप डॉक्टर नजीब का वीडियोस देखें, आप पर्टिकुलर उनका नोट्स बनाएं, अपने हैंडराइटिंग में लिखें. अपने जब हैंडराइटिंग में जब आप लिखिएगा, तो वहां से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा. क्योंकि अपना नोट्स जब हम खुद लिखते हैं, तो हमें ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा हम उसमें ऑक्यूपाई कर पाते हैं. तो मेरा सजेशन यह है कि उनका लेक्चर्स देखें और वहां पे आप उनका नोट्स बनाएं. सेकेंड है कि फिजियोलॉजी भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी. तो ये सारी की सारी जितने भी बुक्स हैं, वो सारी की सारी एक बार आप रीड करें, एक बार फर्स्ट ईयर में पढ़ें. क्योंकि जब आप एब्रॉड में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे टाइमिंग बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम टाइम आपको वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं. और वैसे एब्रॉड्स के मोस्टली कॉलेज में आपको 2 से 3 महीना छुट्टी मिलता है, और जब आप फ्रेशर आते हैं, तो 1 से 2 महीना वैसे ही आप नहीं पढ़ पाते हैं. नया नया एनवायरमेंट में जाते हैं, तो इधर घूमना उधर जाना ये वो, इन सब में आपका 1 से 2 महीना एक्स्ट्रा ये निकल जाता है, 2 महीना छुट्टी मिल जाता है. तो मिला जुला के टोटल आपके पास 7 से 8 महीना होते हैं. तो 7 से 8 महीना में पर्टिकुलर आपको 3 से 4 सब्जेक्ट जो मेडिकल है, और नॉन मेडिकल जो एब्रॉड में अप्रॉक्स आप जा रहे हैं, तो 4-5 सब्जेक्ट वो पढ़ने होते हैं. तो मिला जुला के सभी 7 से 10 सब्जेक्ट्स आपको पर्टिकुलर पढ़ने होते हैं. तो मेरा मेन मोटो बताने का इसमें ये है कि आप एक बार बुक्स के थ्रू जाएं, एक बार रिवाइज कर लें, और एक्स्ट्रा रिसोर्सेस आप वहाँ पे इस्तेमाल करें, अपने खुद नोट्स बनाएं. आप किसी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रेपरेटर है, चाहे मैरू है, चाहे अनअकैडमी है. ऐसे आप वहाँ पे उनका जो नोट्स आता है, वो आप बाय करें, पूरा नोट्स कोशिश कर लें खरीद लेने के लिए, और फर्स्ट जो सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ें. उनमें बहुत ही शॉर्ट्स तरह से और बहुत ही अच्छा वेल एक्सप्लेन तरह से नोट्स होता है. एक बार बुक्स पढ़ने के बाद उनका नोट्स को आप रिवाइज कीजिए और उनका लेक्चर्स देखिए. यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका टाइम भी यहाँ पे बच जाएगा. क्योंकि ज़्यादा आपके पास ना टाइम होता है, ना आप
ज़्यादा सोचते हैं कि ज़्यादा आपको पढ़ना है, आपको पूरा मेडिकल में आपको 19 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो अगर आप टाइम बचा बचा करके थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एट द टाइम जब आप डिग्री लेंगे तो आप एक बार पूरा 19 सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिएगा और एक बार अपना रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो वाइल वेस्टिंग योर टाइम यू शुड हैव टू गो इन द फर्स्ट ईयर यू शुड स्टडी द एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बाई एनी रिसोर्सेज आई विल सजेस्ट जस्ट गो वंस विद द बुक्स दैट इन फर्दर यू डोंट एबल टू गेट दैट यू आर रीडिंग अ न्यू थिंग यू विल फील दैट यू आर हैविंग हैव ओल्ड थिंग ओनली। क्योंकि इसकी वजह से आपको फायदा ये होने वाला है कि बाद में जाकर के आपको ये ना लगे कि ये चीज़ आप भूल रहे हैं, या आपको जब आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, आपको थोड़ा सा वहाँ पे स्टडी करने में और रिविजन में थोड़ा सा मदद मिलेगा। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको विदेश में किर्गिस्तान में स्पेशली अगर किसी मेडिकल कॉलेज में MBBS करना चाहते हैं, अगर कोई जानकारी चाहिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ, तब तक के हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।